सर, जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। इस योग्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम नहीं है। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को, उगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम 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 देखेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और आपको पता है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर और खबरों में एक एसडीएम साहिबा खूब चर्चा में हैं और उनके पति भी चर्चा में हैं। दरअसल इन दोनों के बीच जो चल रहा है उसके बाद देश भर में घर घर में लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। और आज जब मैं ये कार्यक्रम करने के लिए मंच पर आया तो एक गाना मुझे मनोज तिवारी जी का याद आ गया। मैं गा तो नहीं सकता हूं, गाना तो गौरव का काम है, लेकिन मैं दो लाइन गुनगुना देता हूं कि बबुनी के शौहर के लागल बहावा औरो पढ़ावा औरो पढ़ावा। तो मनोज तिवारी जी ने जब ये गाना गाया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शायद इस गाने पर मीम बने और एक एसडीएम बिटिया के लिए और पति के लिए पूरे देश भर में चर्चा हो जाए। सवाल ये है कि क्या बबुनी को पढ़ाना बंद कर दिया जाए? सवाल यह है कि एक पत्नी की सजा क्या पूरे समाज को मिले? सवाल यह भी है कि अगर एक घर में कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी हो गई है पति पत्नी के बीच में, तो क्या सारा समाज खराब हो गया है? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक को लेकर। हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग क्या राय रखते हैं, क्या जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ाई से वापस बुला रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनको ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बेटियों को क्या शहर नहीं भेजे पढ़ने लिखने के लिए, एसडीएम आईएएस आईपीएस बनाने के लिए, क्या नहीं भेजे? क्यों नहीं भेजे? हाँ। कोई एक गलत होता है तो क्या सब गलत होते हैं? लड़का एक गलत करता है तो क्या घर के माता पिता उन्हें घर के अंदर रखते हैं? हाँ। कि बेटा तुम मत निकलना, तुमने उस लड़के ने उस लड़की को छेड़ा था। हाँ। तो फिर एक की गलती सबको क्यों दे? तो आपको लगता है कि बाकी चीजें ठीक है, ये झगड़ा वगड़ा अपनी जगह है, लेकिन सबको जनरलाइज नहीं कर देना चाहिए। अब एक के साथ कुछ हुआ तो बोले कि भैया वापस आ जाओ, एक मामला आ गया सामने, वो शिकायत दर्ज करवा दी है लड़की कि भैया मेरे पति ने वापस बुला लिया है पढ़ने से, मैं भी एसडीएम आईपीएस आईएएस बनना चाहती थी। तो ऐसा होना चाहिए क्या भाई साहब? क्या सर? खोए हुए इनको तो याद ही नहीं आ रहा है, इनको याद नहीं आ रहा है, किसी दूसरी दुनिया में खो गए हैं। बेवफा सनम कौन है उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, लाइव देख रहा था, लाइव देख रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन क्या मैडम, क्या लगता है कि ये जो एसडीएम वाला प्रकरण है उसके बाद पूरे समाज में ऐसा हो जाना चाहिए कि बेटी को बुला लो? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए सर। एक लड़की गलत होती है तो पूरी थोड़ी होती है। अगर यही आदमी लोग करते हैं तो आदमी लोगों पर नहीं मुद्दा उठता है, लड़की कर दी तो मुद्दा सारी एक तालाब में एक मछली गंदी हो। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या लग रहा है कि ज्योति गलत है उनके पति? अब उसमें तो ज्योति का ही दिखाया जा रहा है, बट ज्योति ही गलत है। बट अब ये थोड़ी कि सारी पत्नियों को, सारी बीवियों को, सारी लड़कियों को, सबको घर पे बैठा दिया जाए। अब कोई लड़की अगर एसडीएम बन जाती है और उसका मन करता है कि अब पति के साथ नहीं रहना, तो ये गलत है कि सही? आदमी लोग करते हैं। हाँ। तब तो कोई अंगुली नहीं उठाता, कोई मीडिया वाले नहीं आएंगे, कोई पत्रकार नहीं आएगा, कोई सोशल मीडिया टीआरपी के लिए इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन आज लड़की वो ज्योति मौर्य कर रही है तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में चर्चा हो रही है। घर घर में महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं, इधर अपना मोबाइल रख के टीवी वो देख भी रही हैं कि अच्छा ये मीम बन गया। अभी मैंने जो गाना सुना है उस पर भी खूब मीम चल रहा है। हाँ सर, ज्योति मौर्य ने गलती किया है। हाँ।
गलती क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योति मौर्य को सारी सारी लड़कियों के उससे कंपेयर। अच्छा, ज्योति मौर्य ने गलती की है ये आप लोग मान चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, गलती ये मान चुके हैं। कैसे? बिल्कुल गलत किया उसने। कैसे कैसे मान? बिल्कुल गलत किया है, अब जस्टिफाई मैं उसको नहीं करूंगा। वो गलत किया है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उसके वजह से पूरी महिलाओं को टारगेट नहीं कर। लेकिन उसका पति सही है ये कैसे मानते हैं आप लोग? सोशल मीडिया पर देख के मान लिया ज्योति गलत है? तो सोशल मीडिया पर ही सब सबको पता चला है ना, सबको पता। हाँ जी सर, इसका प्रूफ क्या है ज्योति मौर्य गलत है इनके पास? एक मिनट, ये कैसे? अगर ज्योति मौर्य गलत है तो जो लड़का जो शादीशुदा था वो भी तो चक्कर चला रहा था ना, वो गलत नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इंतकाम का ही बात है तो तब इंतकाम कहाँ था? जब कोई हस्बैंड धर्मेंद्र सिंह फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, और जब फिल्म इंडस्ट्री में वो अच्छे से स्टेबल हो गया उसके बाद वो हेमा मालिनी से शादी कर लिया, दूसरी पहली पत्नी के होने के अलावा। तब कहाँ था ये मीडिया? अभी कैसे? सोशल मीडिया नहीं था ना धर्मेंद्र जी के जमाने में, तो अब गलती धर्मेंद्र जी की है कि सोशल क्या करें? ये सोशल मीडिया जो है दही का कब रायता बना दे पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर समाज में एक महिला गलत की है तो मेरी समाज की हर महिला हर बहनी गलत हो, ये नहीं। ये मैसेज जो आ रहा है ये गलत है। हम हर बहनी गलत नहीं है, मानते हो कि थोड़ी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी पर्सनली प्रॉब्लम क्या है, उनको ये चीज शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, पर्सनल है तो भैया घर का है तो घर में निपटा लीजिए। और कहा है ज्योति मौर्य ने कि 12 साल का जो हमारा रिश्ता था उस पर पानी फेर दिया है उनके पति के लिए, उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए हमारे साथ कुछ बनारस के नामचीन लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जरा आपका तारुफ करवा देता हूँ। रोशनी जायसवाल है हमारे साथ, एनलिस्ट डॉक्टर इश्ता पाठक जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, डॉक्टर प्रतिमा गोंड जी हैं प्रोफेसर बीएचयू से, नेहा दुबे जी हमारे साथ, हमारे साथ अनिशा शाही जी हैं और श्रीपति मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। सारी महिलाओं के बीच में आप अकेले हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत आपसे कर ले। क्या लग रहा है कि कौन गलत कौन सही कौन बेवफा, ये भी सोशल मीडिया वाले भी तय कर दे रहे हैं? देखिए ये चूंकि कोर्ट में मामला जा चुका है उससे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैंने भी जहां तक जाना है कि प्यार एक पूंजीवादी सोच होती है, प्यार एक पूंजीवादी सोच होती है, प्यार पूंजीवादी सोच होती है, सुन लो भाई साहब, डिफाइन कर रहा हूँ कैसे होती है, देख लेना ये सब महिलाएं खड़ी कैसे होती है भी बता रहा हूँ। किसी के सपने में राजकुमारियां और राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते हैं। किसी के भी सपने में कभी आपने देखा है तो पति मजदूर हो तो छोड़ देगी को? मेरी बात सुन लीजिए, कभी आपने देखा है कि घोड़े से मजदूर मजदूरी करके आ रहा है वो सपने में आ रहा है राजकुमारियों के? नहीं। और लड़कों के ख्वाब में राजकुमारियां आती है, प्रिंसेस मिलती कहाँ है? मिलती है क्या? मिलती ना लड़कों को बहुत मुश्किल से मिलती है। दूसरी बात, उस लड़की की जो बात हो रही है उसका फोन भी व्हाट्सएप क्लोन किया गया है उसको, मतलब मुझे लग रहा है कि शादी विवाह एक विश्वास का सबसे बड़ा बंधन होता है। आप किसके साथ हैं, पति के साथ की पत्नी के साथ? मैं ज्योति मौर्य के साथ हूँ। ज्योति मौर्य के साथ हैं? हाँ, और क्या। मैंने एक ऊंचाई पे आदमी पहुंच गया उसके पद प्रतिष्ठा से वो आप खेल रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, अगर उसने रोकना शुरू किया तो आप सोशल मीडिया पर उसको बदनाम। ठीक है, क्या अब SDM बन गई हैं वो ज्योति मौर्य, इसलिए उनके पति को लग रहा है कि भाई साहब सुर्खियां बटोले? यहाँ तो दिक्कत यह कि घर भी टूट रहा है उनका, घर टूट रहा है, उनके दो दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा? मियां बीवी दोनों इस बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद हर जगह ये धारणा बन गई है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ ऐसा किया है तो तुम भी मेरे साथ ऐसा कर दोगी। तो न जाने कितने सरकारी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई SDM बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो उसको सब वापस बुला ले रहे हैं पति कि तुम मत जाओ, तुम वापस आ जाओ। तो सबके लिए दरवाजा बंद हो गया है। तो आप ये कह रही है ज्योति मौर्य ने सबका दरवाजा बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद। लेकिन कैसे मैडम? बिल्कुल, देखिए उनका पति बिना कुछ सोचे समझे चला गया सोशल मीडिया में वायरल करने। कौन सा ऐसे मियां बीवी है जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती है? न जाने कितने हैं जिनके बीच रोज लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। और कोर्ट फैसला देगी, क्या सोशल मीडिया फैसला करेगा क्या कि आप सही है कि आप सही हैं? लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है और चिंता यही है लोगों की कि क्या एक बेटी की वजह से बाकी बेटियों पर इसका असर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे आज एक चीज और वायरल हो रहा है कि एक पत्नी है जिसका पति जोमेटो से पिज्जा सप्लाई करता है तो अपने बच्चे को गोद में लेके अपने पति के साथ साइकिल से पिज्जा सप्लाई कर रही है, तो निभाने वाला तो वहां तक निभाता है। और बात यह है तो ज्योति मौर्य जी की तो उनकी अपनी लाइफ है भाई, कम एज में उनकी शादी हुई है, उनकी अपनी लाइफ। लेकिन उनके पति कह रहे हैं जब
कुछ नहीं था तो मैंने पढ़ाया लिखाया SDM बन गई, उसके बाद वो बेवफाई कर रही है। तो पढ़ाई तो उन्होंने खुद से की, दिमाग में तो उन्होंने पढ़ाई नहीं घुसा दिया। PCS बनना कितनी बड़ी बात है, 99% बच्चे IAS PCS में फेल हो जाते, वो 1% के लिए मेहनत तो उन्होंने खुद किया। आप सहमत है मैम? किस चीज से? इनकी बातों से? नहीं, इनकी बातों में कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि मैं सहमति असहमति दिखाऊं। आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि ज्योति मौर्या को लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति मौर्या को गलत मान रहे हैं, बहुत सारे उनके पति को मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज सब जानते हैं कि ज्योति मौर्या SDM बन चुकी है और उसके बाद ये रिश्ता टूट रहा है। देखिए, पहली बात तो सही और गलत हम में से कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें दोनों पक्ष नहीं पता है। और दूसरी बात यह है कि ज्योति मौर्या 2015-16 में वो बनती हैं SDM, और आज 8 साल बाद ये बातें सामने आई हैं। तीसरी बात, जो तलाक की होती है या विवाह विच्छेद की होती है, वो बहुत बार 90% केसेस में वो मानसिक प्रताड़ना की वजह से होता है। पद, और खुद ज्योति मौर्या जी ने कहा है कि पद तो हमारे बीच में है ही नहीं। अगर पद की बात होती तो जब उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी बोलकर झूठा मुझसे शादी किया था तभी मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। बात ये हुई कि ज्योति मौर्या के पद में आने के बाद जो मानसिक प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी, जैसा आपको लग रहा है कि ज्योति को मानसिक प्रताड़ना मिली जी उनके हिसाब से? देखिए, मैं एकदम सच नहीं जानती। तो ज्योति ने तो ये भी कहा है कि दहेज मांगा, कहा फॉर्च्यूनर दीजिए। अब 12 साल बाद कौन कहता है कि दहेज में मुझे फॉर्च्यूनर दे दो? देखिए, ऐसा मेरा सवाल है सिर्फ, मैं जानता मैं भी नहीं हूँ की बात क्या है। ये झूठ और सच, मैंने पहले भी बोला ना कि झूठ और सच मुझे नहीं पता। अगर ज्योति मौर्या ने किया है तो गलत किया है, लेकिन उनके बीच जो तलाक की वजह है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो है SDM बनी तब वो छोड़ी, तो उस पर मुझे संदेह है। आपको क्या लगता है? मैं सच तो नहीं जानती कि क्या है, और जो भी है उसका जांच होना चाहिए दोनों तरफ से। बट एक ज्योति मौर्या की वजह से पूरे समाज की महिलाओं और लड़कियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज भूल रहा है कि उनका उत्पत्ति किस स्त्री से हुआ है। और जब वो सवाल उठा रहा है तो अपनी माँ और बहन पर भी उठा रहा है, तो हम सवाल तो वो भी उठा रही है, तो वो भी तो एक स्त्री है, महिला ही है। वो कह रही है कि ज्योति मौर्या की वजह से लाखों लड़कियों का दरवाजा बंद हो गया। ज्योति मौर्या जो की है वो गलत है, और ये समाज में कौन लेकर आया है? हमारे समाज के लोग लेकर आए हैं ना। जब एक पुरुष, अरे तो एक पति पत्नी के बीच में समाज क्या लेकर आया है? एक पति है और पत्नी है, उसके बीच में समाज क्या घर में घुस कर कुछ करने गया है? अब दोनों का नहीं बन रहा है, दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है। अब चलिए भले ही डिसाइड किया उन लोगों ने कि हम अलग होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो अलग होंगे कि नहीं होंगे, सवाल ये है कि ज्योति मौर्या और उनकी पति की वजह से समाज में क्या कोई गलत संदेश जा रहा है? जब ऐसी चीजें हुई तो उनकी उनके पति का काम है कि कोर्ट जाए, अगर अलग होना है तो अलग हो जाओ, तमाशा मत बनाओ, क्योंकि उससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा कि जब एक पुरुष गलती कुछ करता है तो उसको कोई हाईलाइट नहीं करता है, एक औरत करती है तो उसको पाप समझ। कोई IAS अपनी पत्नी को छोड़ देता तो सोशल मीडिया पर कहां इतनी बातें होती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि पुरुष अगर करे तो सही और महिला करे तो गलत। बिल्कुल, नारी को सृष्टिकर्ता के रूप में माना जाता है, देवियों की पूजा होती है, 9 दिन नवरात्रि में जिस देवी की पूजा होती है उसी की इज्जत उछालने का काम कर रहा है आलोक, ये पूरी तरह से गलत है। मियां बीवी में जो प्रॉब्लम्स थी, आप एक कंसल्टेंट की जरूरत थी आप दोनों को, आप कंसल्टेंट से डील करके आप दोनों आपस की प्रॉब्लम सुलझा लेते और आगे आने वाले बच्चों का भविष्य सुलझा देते, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे चीजें वायरल करके कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश दिख रही है। तो आलोक ने सोशल मीडिया पर वायरल की, इसलिए गलत किया? देखिए, आलोक ने अपनी बात कही, एक सफाई कर्मी, ठीक है, बात मैं गलत और सही की नहीं करी, एक सफाई कर्मी को कुछ नहीं समझा, वो मीडिया में आकर बोला, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि इसको संस्थागत तरीके से वायरल किया जा रहा है। अभी कोई शुक्ला जी हैं, उन्होंने MP में तो इसके इसके पीछे कोई पाकिस्तान की साजिश तो है, क्या है, क्या मुझे बता दीजिए। पूरा करिए, अभी आपने देखा कि एक मूत्र विसर्जन की का अपराध, वो इतना घृणित अपराध 21वीं शताब्दी में, उसको इतना मीडिया होप नहीं मिला, ये किसी और एजेंडा से संस्थागत तरीके से इसको सामने लाया जाए। मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पाकिस्तान की साजिश है, IAS की साजिश है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी के घर में पाकिस्तान IAS घुस जाए। एक चीज है, जब क्रिकेट हम लोग देखते हैं, जब शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारता था तो सचिन तेंदुलकर से लड़ने नहीं जाते थे, लॉग ऑन पे उठा के छक्का मार देते थे। तो आलोक मौर्या अगर अपनी पत्नी को SDM बनाया था तो उससे उसको बड़ी लकीर खींच करके अपने आप को DM बनाना चाहिए था, तब जाकर के बात होती कि बराबर की बात होती, बराबरी लेने की। आपने क्या किया, सोशल मीडिया में उस महिला को, उस लड़की को इस तरीके से बदनाम कर दिया कि वो कहीं खड़ी होने लायक नहीं बची है।
राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी, इनकी बातों से मुझे याद आ गई वो बात। राजकुमार राव की फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, लड़की एसडीएम बनने के लिए शादी ठुकरा देती है, उसके बाद राजकुमार राव बन जाते हैं डीएम। तो यहाँ भी यही कहानी चल रही है क्या? क्योंकि उनको भी, इनको भी, आलोक जी को भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भाई साहब आइए हम आपको डीएम बनवा देंगे। इस पे टिप्पणी करना बहुत सही नहीं है, हो सकता है ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट हो जैसा ये बोल रहे हैं, बट जो उनके इस पूरे प्रकरण से जो हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा है वो औरतों के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रभाव है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई और एजेंडा। मैडम मैं बार बार पूछता हूँ, एजेंडा कौन चला रहा है? पाकिस्तान है, कोई देश का दुश्मन है, चीन है, या उधर कोई अमेरिका की तरफ से चला आ रहा है? देखिए ऐसा है ना कि बहुत बार सोशल मीडिया में ऐसी कुछ चीजें होती है स्पेशली वुमेन को लेकर के, वो जानबूझ के वायरल किया जाता है। ज्योति को लोग कह रहे हैं गलत, ज्यादा लोग, मैं कह रही हूँ ना कि ज्योति मौर्य ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो जीवन में पहली बार हुआ है, समाज में पहली बार। ज्योति मौर्य ने अपराध नहीं किया है, गलत नहीं किया है। देखिए पति करे तो सही, पत्नी करे तो गलत, कहाँ से सही? पति तो ऐसा कोई नहीं है, अगर पति अगर किसी अदर वुमेन के साथ अफेयर करे तो अपने फ्रेंड्स में जाके शौक से बताता है कि मेरी इतनी लड़कियों के साथ अफेयर है, मेरा इतनी लड़कियों के साथ अफेयर है, और एक पत्नी ने एक पति के साथ अफेयर कर लिया तो गलत? ये कैसा समाज? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आलोक ने कहा कि ये सारी दिक्कतें हुई, मनीष की वाइफ मुझसे मदद मांगी, और कल का स्टेटमेंट आपने सुना, मनीष की वाइफ ने कहा ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। जब ये आपका पारिवारिक मामला था तो आपने पब्लिकली लाया क्यों? और आज मैंने खुद आलोक मौर्य से बात की, उन्होंने कहा दीदी हम कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जब आप जवाब देने को तैयार नहीं थे तो आपने इतना लाइमलाइट लिया क्यों और क्यों उछाला मैटर को? जी सर मैं, हाँ ठीक है आप पूछ लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसको यहाँ पे जितने भी सारे जेंट्स हैं, क्या महिलाओं के प्रति उनकी फीलिंग नहीं होती होगी क्या? शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, अच्छी खासी लड़कियाँ, साला यही मेरी होती, ऐसा हर किसी की फीलिंग आती। हाँ देखिए आपने फीलिंग की बात की, पीछे एक बाबा खड़े हैं, बाबा क्या फीलिंग है? क्या क्या विवाह बच्चेपन है? विवाह बच्चेपन पर हुआ था, पत्नी राजकरी मार रही है घुटका चट। जरूरी नहीं है कि अगर आपस की लड़ाई है तो हम इस तरह से, अगर एक अच्छे पति की पहचान ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं, आप भी तो गलत करते हो, आप भी तो पत्नी होते हुए कहीं और जाते हो, किसी और के पास जाते हो, तो ये इशू नहीं बनाना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया। ठीक है देखो भाई, चश्मा भी धूप नहीं है लेकिन चश्मा तब भी लगा घूम रहा है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आया, दिल्ली वाले क्या सोच रहे जरा बताइए। बना ये कहना चाहता हूँ, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है कंपेटेबिलिटी होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मेरे हिसाब से, तो इसको आप अपने जो भी रिलेशन को आप पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने उनको आगे बढ़ाया था तो वो उनका साथ देती पूरा और उसको अपने घर पे ही उसको निपटा लेते। ये जो पब्लिसाइज है इसकी वजह से जो रिलेशंस और भी जो आगे के हैं वो सभी लोगों के बिगड़ रहे हैं। मतलब जो पहले और भी लोग जो करना चाह रहे हैं अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वो भी भाई आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। भाई साहब शादी करके पत्नी को लेके आया, पढ़ाऊं और उसके बाद एसडीएम डीएम बन जाए तो हम ही को छोड़ के भाग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे डर गए। हाँ क्या शादी हो गई? नहीं शादी, तो शादी नहीं हुई तो क्यों डर रहे हो तुम? बात रखने का पूरा हक है हमको, ठीक बात रखने का हक है। ये बताइए, एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है तो उससे कुछ उम्मीदें रखता है, ठीक वो उम्मीद रखता है कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगा, ठीक। तो एक पति जब अपने पत्नी को पढ़ाया है तो उसको भी कुछ इच्छा होगी कि वो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगा, लोग क्या कह सुनेंगे, और वो इस वक्त उसको छोड़कर गई है तो सोचिए उस समाज में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भैया बिना अभी रुक जाओ, आ रहा हूं मैं, जानता हूं तुम्हारे अंदर का दर्द जो है वो बाहर आ रहा है, मैं देख रहा हूं। ये देखिए बिना शादीशुदा आदमी है ये लड़का, मूछे भी ठीक से नहीं आई है, प्लानिंग देखिए इसका। वो अपनी बात रखने के लिए कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा तो उसका कौन सुनेगा? मैम बोल रही है कि आलोक जी हैं, वो अपनी पत्नी को बदनाम कर रही हैं। कैसे बदनाम कर रहा है वो? वो कहाँ जाएगा? वो जब ये मैम जी को प्यार करने का मतलब नहीं पता है, जो प्यार करेगा ना वही हमें समझेगा। कौन सी मैडम को नहीं पता है? वही मैडम बोल रही है कि आलोक नीली सूट वाली। हाँ नीली सूट वाली मैडम जरा जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपको प्यार का मतलब ही नहीं पता। सच में मुझे प्यार का मतलब नहीं पता, प्यार का मतलब से
सिर्फ यही होता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समझे, सिर्फ पत्नी समझे ये भी गलत है, या सिर्फ पति समझे वो भी गलत है। पति ने उसे पढ़ाया, शादी के बाद उसे आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। मैं आलोक जैसे जितने पति हैं उन सबको सैल्यूट करूंगी। मेरे पति ने भी मुझे शादी के बाद पढ़ाया है और आगे बढ़ाया। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ मेरे पति की वजह से हूँ। लेकिन ज्योति मौर्या ने जो किया है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है हम लोग ये पूरी तरह से नहीं जानते, तो इसमें हम लोग पूरी तरह से गलत टिप्पणी बोल। हाँ, एक सेकंड। हाँ। देखिए ज्योति मौर्या जी खड़ी हो जाइए ठीक से एकदम। आप भी एसडीएम बन सकती थी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बन सकते थे। पति ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया सर। अरे बाप रे बाप, पति को बोली थी कि एसडीएम बनना है? आप कह रहे अच्छा हुआ तुमको नहीं पढ़ाया, नहीं तो तुम भी हमको छोड़ के भाग जाती। मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ज्योति जी ने जो किया, मैं उनको सपोर्ट तो नहीं कर रही हूँ लेकिन वो उनकी लाइफ थी, मगर इससे उनके पति ने जो छीछा लेदर किया है समाज में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उन्होंने खुद को हाईलाइट किया मजदूर। आपको क्यों लग रहा है कि हाईलाइट किया? ये भी तो हो सकता है कि कोई सुन नहीं रहा हो इसलिए मीडिया पे चला गया हो। सो उनके खिलाफ FIR पहले ही था, कोर्ट में उनका केस जा चुका था, पर बात ये है वो कह रहे हैं कि मारने की साजिश कर रहे थे, व्हाट्सएप चैट मिला। तो वो भी तो कह रही है कि उन्होंने भी तो दहेज का केस लगाया है कि दहेज मांग रहे थे, 5 साल बाद ही मारने पीटने लगे थे, तो हो सकता है क्योंकि गांव के लोगों के अभी भी सोच यही कि औरत है आगे बढ़ रही है तो कुछ गलत कर रही है। उनके पास ऑप्शन क्या था? अब अगर उनको छोड़ना था, अगर वो सफाई कर्मचारी थे तो वो तो पिछले 13 साल से थे ना, वो तो 13 साल से शादी शुदा रिलेशनशिप में है, तो अचानक SDM बनने के बाद ये चीज क्यों याद आती? उनको लगा कि अब मैं DM बन सकता हूँ, तो उधर लड़की ने छोड़ दिया था मूवी में, इधर लड़का भी हो सकता है DM बन जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरा पर्सनल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। कई बार होता है ऐसा, अरे चोट लगती है धोखा मिलता है तो आदमी आगे निकल जाता है, होता है कि नहीं होता है? क्या क्या लगता है ऐसा होता है कई बार कि नहीं होता है? किस बार अगर चोट खा के आदमी आगे बढ़ जाता है? बढ़ता है। हाँ। जब ठोकर लगती है तो आंखें खुलती है। इन्होंने अशोक मौर्या जी ने उसको जहाँ तक बढ़ाया था उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है। हाँ। इन्होंने वो ये नहीं सोचा कि मुझे उनसे ज्यादा आगे बढ़ के इनको अपने साथ रखना है। इन्होंने इनको फ्लॉप करने के लिए इनको जो भी बनाया था, जो भी इनके पीछे मेहनत किया था, वो कि मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें बिगाड़ भी सकता हूँ, ये बात को उन्होंने सच किया है। और देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि बीबी को मत पढ़ाओ, अगर बेटे और बीबी की बात करें तो 90% बेटे का केस ऐसा मिलता है जो पढ़ने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं या नगरों में चले जाते हैं। हाँ। उनको तो नहीं छोड़ा जाता। हाँ। तो अगर बीबी पढ़ के छोड़ रही है तो क्या गलत है अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो? एक मैडम लेकिन एक चीज बताइए। हाँ। आपके घर में भी बच्चे होंगे, हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, बीबी पढ़ने के बाद और DM बनने के बाद कहे कि भैया टाटा बाय बाय, तो ये अच्छा लगेगा क्या? देखिए बेटा बेटी पढ़ाने का क्रम है ना, बेटा बेटी को आप पढ़ाओगे तो उससे एक्सपेक्ट करोगे कि हमारा कुछ करे। बीवी से एक्सपेक्ट करने का कहीं कोई रोल नहीं मिला है, कभी किसी ने नहीं कहा। भैया बीबी से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भाई साहब क्या कह रहे हैं क्या होगा फिर? आप बीबी को पढ़ाओगे, कहोगे कि हमारा जो है सेवा करे और सब करे और हमारी बात सुने, उसके पद का दुरुपयोग कर करके आप जो है हुकुम बजाओगे चारों तरफ, ये नहीं चलेगा। आपने ये कर रहे थे, आप यही चीज कर रहे थे, इसी को उसने नहीं करने दिया, इसीलिए मामला डिस्प्यूट हो गया। आपने इधर हाँ क्या हो गया, शादी हो गई? अभी शादी नहीं की, कब कर रहे हो? कर लेंगे DM से कि SDM से? नॉर्मल जहाँ माफ करेंगे वहाँ कर लेंगे। हाँ। सर लेकिन मैडम ने एक बात कही कि हाँ। समाज को प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। तो खान सर की कल एक बात कहे। हाँ। कि 98 लड़कियाँ जो पति उनके वापस ले आ गए हैं। हाँ। इलाहाबाद में लड़कियाँ वापस आ गई हैं। हाँ। जो शादीशुदा हैं। हाँ। उनका सपना था। हाँ। प्रभाव नहीं पड़ा सर, 98 100 बच्चे वापस आ रहे हैं घर से और कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ रहा समाज के ऊपर। कैसे नहीं पड़ रहा सर? प्रभाव पड़ रहा है, एकदम गलत प्रभाव पड़ा है। इस केस की वजह से पूरी स्त्री जाति की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा हनन हुआ। देखिए अब इधर इन्होंने कहा कि स्त्री जाति की गरिमा का हनन हो गया। अब मैं ये भी पूछूंगा आप लोगों से कि क्या पुरुष जाति की गरिमा का हनन नहीं हो रहा है? भैया हम एक चीज पूछे चाहती है, हमें तनी बता दे अपने चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अपने मेरारू को कहाँ छोड़ के चले गन? ही बता दे हम क्या मोदी जी कहा मेरारू के छोड़ के चले गन यार, कहाँ हूँ कहाँ अपने मेरारू के साथ ले लेकिन आई चला तू? हाँ लेकिन लेकिन सवाल ये नहीं है उन किसी की बीवी और पत्नी के पति और पत्नी के बीच में अगर मामला गड़बड़ चल रहा है। हाँ जी आप तो शादीशुदा होंगे मुझे पता है, सब घर में ठीक सब बढ़िया? हाँ हाँ। बाल बच्चे भी ठीक हैं? बेटे की शादी हो गई? नहीं बेटे की नहीं हुई। किससे करेंगे? नहीं मेरे कहने का मतलब DM SDM या किसी, ये तो बच्चे की भविष्य के हिसाब से शादी होगा वो तो अभी कहना मुश्किल है। हाँ।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए अमित मौर्य एसडीएम होते तो क्या अपनी पत्नी को छोड़ देते? और भविष्य में और लोग जो है अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए थोड़ा समस्या पैदा होगा, सोचना पड़ेगा उन लोगों को इस समाज के लिए। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाबा काहे विचलित हो रहे हैं, गर्मी बहुत बा, अरे बैठिए आराम से, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम लोग, लेकिन वापस आ रहा हूँ। थोड़ा और जो लोग बोलना चाहते हैं सोच लीजिए कि किसको कैसी पत्नी चाहिए और किसको कैसा पति। एक छोटे से ब्रेक के बाद धरती पुत्र में, और किसका इंतकाम, कौन बेवफा, किसने बेवफाई की और किसकी हरजाई का किसको क्या मिल रहा है हमें तो नहीं पता भैया, लेकिन एक चीज पता है कि ज्योति मौर्य को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है, आलोक मौर्य को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है। और मैडम अभी एक थोड़ा सा रुको, अभी इतना बोली थी ब्रेक से पहले, अभी फिर से हाथ उठा लिया। आप लोग जो बोलना चाहते हैं हाथ उठाइएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्कंडे तिवारी है। मार्कंडे तिवारी जी, जी क्या लग रहा है कि कौन है सही, कौन बेवफा नहीं है? एक तरीके से देखिए, ये दोनों ही जो कपल हैं, दो के दोनों ही एकदम वाहियात हैं, दोनों ही। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर दोनों में प्यार होता ना, अगर ये जो हस्बैंड है उस महिला को आगे छोड़ के उसके स्थिति पर उसको छोड़ देता है कि तुम तरक्की करके अपने जीवन को जियो, तो शायद उस पुरुष के तरफ से हम सभी लोग खड़े रहते हैं। हाँ। ना कि उस अभी किसकी तरफ खड़े हैं? मैं तो दोनों को ही छोड़ दिया, दोनों को ही छोड़ दिया, न माया मिले न राम, दोनों को छोड़ दिया। यही करना है हमें, उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। हाँ। उनकी समाज को छोड़ देंगी। वो कह रहा था भाई कि हजारों हजारों लाखों लड़कियों पर इसका असर हो जाएगा। नहीं, वही तो मैं कह रही कि उनको उनके हाल पे छोड़े और लोगों को ये समझाएं कि एक उदाहरण पूरे समाज का प्रदर्शित, पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये प्यार बोल रहे हैं, वो प्यार नहीं, वो प्यार क्या होता है जरा मैडम समझाइए, लोग देख रहे हैं, जरा समझ में आए प्यार होता क्या। सेल्फिशनेस है, जब तक उसे जरूरत थी पढ़ाई की, पैसों की, उनके पैसों पे पढ़ाई किया उन्होंने और जब वो एसडीएम बन गए तो छोड़ दिया। ये इल्जाम लगा के कि दहेज मांगा। आप शादी से पहले डॉक्टर बनी थी कि बाद में डॉक्टर बनी है? तो अभी कुछ सब ठीक है ना? बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है जी। एक चीज ये देखिए, आलोक मौर्य का चर्चा चल रहा है, जिक्र चालू है बड़ी तेज सारे सोशल मीडिया न्यूज चैनल पे, 2024 का चुनाव भी आ रहा है। मुझे लग रहा है एक और आलोक मौर्य पैदा होने वाला है। 24 का चुनाव आने दीजिए, गलती से अगर प्रियंका गांधी सांसद बन गई तो रॉबर्ट वाड्रा भी यही हस्र होने वाला है, आलोक मौर्य जैसा ही होने वाला है। प्रियंका जी को कुछ आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वही स्थिति बन रही है। प्रियंका गांधी को ढकेले हुए है, बेचारी चुनाव में कुछ हो जाए, कुछ बन जाए। मैडम मुझे तो आप जवाब देना चाहती है तो बताइए। अब ज्योति मौर्य के केस में ये लोग प्रियंका गांधी जी को लेके आ रहे हैं, कोई इनके पास टॉपिक नहीं मिलता है तो प्रियंका गांधी जी इंदिरा गांधी जी की पोती है, आयरन लेडी की पोती है, राजीव गांधी जी की बेटी है। हाँ। ये लोग कहती है कि इंदिरा की, सुनिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए, ये सब नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है वो, उस पर तो हम रोज बात करते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी और योगी जी। लेकिन आज मामला दूसरा है क्या मैडम? आज मामला घर का है और घर में किसके कितना क्या पक रहा है, कौन सी सब्जी में कितना नमक है और दाल में नमक कम है ज्यादा, सबको चिंता रहती है, अपने घर की नहीं दूसरे के घर की। मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ ये मुद्दे को, पर्सनल मुद्दे को कुछ ज्यादा ही मीडिया में उछाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, लिटरेसी है, डेवलपमेंट है, उन पे चर्चा करनी चाहिए। इस सब मुद्दों पे फालतू की कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें तो बोलना भी नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन आपका एक मिनट वेस्ट हो गया, खराब हो गया आपका भी एक मिनट, बोलना ही नहीं चाहिए था क्या जी? ए लड़का तुम पीछे क्यों हंस रहे हो इतना, शादी कर लियो है? शादी कर लियो कि नहीं कियो? अभी करने का इरादा है? नहीं, करने का इरादा नहीं है। ये देखो भाई साहब, ऐसे डरे हुए भी लोग हैं कि शादी करने का इरादा नहीं। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी सर, देखिए सिर्फ एसडीएम ज्योति मौर्य हो रहा है, मनीष दुबे का जिक्र क्यों नहीं है? पुरुष प्रधान कर रहा है, उनका भी तो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि उनके बारे में तो जिक्र नहीं हो रहा है, एक महिला है और सबसे ज्यादा पुरुष जो है महिला को ही दोषी मान रहे हैं, क्योंकि वही हाँ। आदमी जो नहीं चाहता कि महिलाएं घर से बाहर निकले, उनको तो एक मौका मिल गया हाँ। सवाल उठाने का। अगर ये महिला, एक मेरी महिला तरक्की कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, तो इसे एक रोका जा रहा है, लेकिन ये गलत है, वो पुरुष गलत है, महिला नहीं। महिला को रोक रहे हैं क्या ज्योति मौर्य को? रोक रहे हैं जी हाँ। अगर इनकी फैमिली मैटर थी तो इनको कोर्ट अदालत करना चाहिए, फैमिली कोर्ट का इशू था, ये सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं? सोशल मीडिया कौन यूज कर रहा है?
सर, कोई नहीं रोक रहा है। मैं देखिए, ये जो अभी 18-20 साल के लड़के ये सब एकदम आगे आके बोल रहे हैं। करेगी किसी दीदी, अगर किसी के पास नहीं एक बात है, किसी के पास नहीं अगर नहीं एक बात है, बात सुनिए, किसी के पास नहीं, बात सुनिए, ये बात गलत है, किसी के पास नहीं ऐसा करेगी। पति इनके लिए अदालत है, फैमिली कोर्ट है, सब आप उस पे आ करिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ महिलाएं की शूटिंग उठ रहा है, गलत बात है। अगर हम अपने पत्नी को अगर हम अपने पत्नी को मेहनत करके पढ़ा रहे तो कुछ बन जाए क्या, वो हमें छोड़ के चल जाएगी, अपने बच्चे की चिंता नहीं करेगी? अब क्या बात करे, ये बात सर, मैं मैडम से पूछना चाहूंगा कि ज्योति मौर्य को कौन रोक रहा है? कह रही हैं अभी कह रही हैं कि उनको रोका जा रहा है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है उनसे पूछे, कौन रोक रहा है बताइए? स्टेटमेंट दिया है वायरल नेशनल चैनल पे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी एक सेकंड, तुम मेरी पत्नी, ये शांति से खड़ी थी ये महिला, इनका भी अब। हाँ बोलिए। इनके हाँ, जो पढ़ना चाह रही, कुछ बनना चाह रही है, वो वापस बुला ली जा रही, तो प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और ज्योति मौर्य कहे तो जिम्मेदार नहीं है, एक आदमी उसके साथ है मनीष दुबे, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो मनीष दुबे का नाम इतनी बार, तीन चार बार आप ले ली, तीन चार बार हमको लेना तो पड़ेगा। ये जरूरी नहीं, हम महिलाएं आगे बढ़ रही है। ये कह रही है कि एसडीएम तो बन गई है, कौन रोक रहा है सर उनको? बताएं ज्योति मौर्य, कौन रोक रहा है? अगर एक अच्छी पति की पहचान होती तो वो ये नहीं कहते, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करते। सर एक मिनट, एक बात करिए मैडम, वो इतने बड़े पद पे हैं, वो एसडीएम पद पे हैं, वो उन पे केस कर रही है कि दहेज ले जा रहा है, दहेज ले, एक मिनट, अरे दो बच्चे हैं, बच्चों का मुंह नहीं देख रहा है, वो कौन सा मुंह देख रही है? बच्चों का मुंह देखती, बच्चों का मुंह क्यों नहीं दे रही उसने? कल ये इधर वाला मामला भी कोर्ट में ना चला जाए, इधर भी हो गया एकदम घमासान। हाँ जी, छोड़िए, हम पकड़ लेंगे, हमारा काम ही है। देखिए यहाँ जितने लोग हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, ज्योति मौर्य और आकाश आलोक मौर्य की जो समस्या है वो जितना विश्लेषण हो रहा है सब गलत हो रहा है। भारतीय संस्कृति सुन लीजिए, पूरा देश सुने, मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक जी अंदर आ जाइए, मास्टर साहब अंदर आइए, एक मिनट रुकिए, सुनिए अब मास्टर साहब का क्या नारा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी ये पूरा देश सुने, यह भारतीय संस्कृति की समस्या है। विवाह क्या है इसको आज की भारत की 90% जो युवा युवती हैं नहीं जानते हैं। विवाह शब्द पर पहली बार याज्ञवल्क और इसमें एक एक वैदिक जो मैत्रेयी और याज्ञवल्क में शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में मैत्रेयी ने याज्ञवल्क को पराजित किया, याज्ञवल्क ने एक शब्द कह दिया मैत्रेयी को। उस समय गौएं बहुत महत्व समृद्धि की प्रतीक हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे यहाँ लाइयो। भारतीय संस्कृति एक काशी से संदेश पूरे भारत को जाना चाहिए। संदेश क्या है वो तो क्लियर कीजिए मास्टर साहब, कि मैत्रेयी, ये पीढ़ी मैत्रेयी और याज्ञवल्क का संवाद समझे और तब विवाह उसको समझ में आए। उसने याज्ञवल्क ने कहा कि तुम्हारी हमारी गऊओं पर तुम्हारी निगाह है, तो सुनिए मास्टर साहब, ज्यादा लंबा हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे क्लास से। संक्षेप में कह रहा हूं, अरे बच्चे क्लास से भाग जाएंगे। ने कहा कि मैत्रेयी ने कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, और मैत्रेयी ने शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया, और कि विवाह का उद्देश्य धन संपदा वैभव नहीं है, काम नहीं है, विवाह का महान उद्देश्य है, और यह उद्देश्य उस शास्त्रार्थ में बताया गया।